नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। फतेहाबाद पुलिस द्वारा आज गांव ढिंगसरा से लेकर के भट्टू तक एक साइकिल यात्रा निकाली गई। पुलिस के द्वारा लोगों को नशे के लिए जागरूक करने के लिए ये यात्रा निकाली गई थी और इस यात्रा में अगुवाई फतेहाबाद के SP विजय प्रताप सिंह ने की। करीबन 8 किलोमीटर का साइकिल यात्रा और साइकिल चला करके पहुँचे SP। इसके बाद में नशे को लेकर के एक कार्यक्रम को संबोधित भी किया। मीडिया से बातचीत करते हुए SP विजय प्रताप सिंह ने कहा कि यह यात्रा के माध्यम से वह लोगों को नशे के प्रति जागरूक कर रहे हैं। उन्होंने लोगों से अपील की है कि नशा तस्करों की ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दें ताकि पुलिस नशा तस्करी पर लगाम लगा सके। वहीं SP ने कहा कि इलाके के लोगों का सहयोग भी मिल रहा है, लेकिन तस्करों की जानकारी अगर जनता उन्हें मुहैया करा दे तो वह नशा तस्करी को रोकने में कामयाब हो जाएंगे। पल पल फतेहाबाद से राजेश भांबू की विशेष रिपोर्ट। नशा तो दुख की बात है, हम खाड़ी से रोटी उठा के उसका ग्रास भी मुंह में नहीं ले सकते हैं। तो साथियों, मैं लगातार मैं 5 सालों से युवाओं को देख रहा हूँ कि हालात पल से बदतर होती जा रही है। रोज मेरे मेरा इलाज नहीं कर सकता, बेहतर है तू एक नशे का नाम लिया वहां तरीका। आज हमने भट्टू क्षेत्र में साइकिल रैली निकाली है जो ढिंगसरा से भट्टू तक आई और अनाज मंडी तक ये पहुंची और उसके बाद लोगों से रूबरू हुए। साइकिल रैली का पर्पस है कि जो नशा मुक्ति की जो ज्वार हमने पैदा किए हैं तो हम कंटिन्यू करें। नशा मुक्ति की जो इस सेक्टर को ज़रूरत है मुक्त करने की, उस सेक्टर में जितना भी कार्य करके लोगों के जनसहयोग से हम उसको आंदोलन करें उसको उखाड़ सके। कहाँ तक के थी? ये ढिंगसरा गांव से लेके करीब 8 किलोमीटर तक का सफ़र हमने आज अनाज मंडी भट्टू तक पूरा किया है और लोगों का जो जोश था जज्बा था उसको सलाम है कि उन्होंने माना है कि जो पुलिस की पहल है वो अनुकरणीय और सराहनीय कदम है और इसको आगे बढ़ाएंगे, मजबूती से आगे बढ़ाएंगे, अन्य क्षेत्रों में भी इसको लेकर जाएंगे। आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि आप भी हमारे कान और नाक बने। जो नशा मुक्ति के बारे में जो नशा करता है, नशाखोरी करता है, तस्करी करता है, उसके बारे में ज़िले में मैंने अपना नंबर दिया हुआ है, उस पर अधिक से अधिक सूचना दिया हमारे नाक और नशे की इस बीमारी में।